Namaste friends, welcome to Art and Tarot. So today we are going to talk about the Minor Arcana card called the Six of Wands. Aaj hum baat karenge card Six of Wands ki. वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि बहुत बार आप मेरे अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो एक बीच में एक थोड़ा सा लैग आता है, थोड़ी सी झिझक आती है, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली इन वीडियोस को बना रहा हूँ. देर इज़ नो स्क्रिप्ट, कोई चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं है, इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस. उसी वक्त उस मोमेंट में जो बात आ रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ. तो बाकी विद टाइम आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, so please bear with me. Anyways, let's start with the reading of Six of Wands. तो Six of Wands जब हम देखते हैं, these are the keywords which pop out. Success, victory, pride, beauty, popularity, celebrity, followings, there are followers. It could also be a wedding. Power, being on the top, that's what the base, these are all the words which pop out when it comes to Six of Wands. तो वॉन्ड की एनर्जी थोड़ा सा आपको पहले समझनी पड़ेगी. वॉन्ड का मतलब होता है, इट स्टैंड्स फॉर एनर्जी, इट स्टैंड्स फॉर यू बीइंग अलाइव. एंड जितने मैक्सिमम वॉन्ड्स हैं उतना आप अलाइव हैं, उतनी एनर्जी आपके पास है. तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के बारे में मैं आपको सबसे पहले तो वो मीनिंग आपसे मैं डिस्कस करूंगा जो कि नॉर्मली सभी टैरो रीडर्स को पता है, और बहुत कम लोग हैं जो इस डेप्थ में जा पाते हैं, जो समझ पाते हैं कि एक्चुअली में कार्ड का मीनिंग क्या है, क्योंकि वो बहुत बारी जो है ऊपर के जो जो सिंबल्स की जो बात कर रहा है राइटर वेट, उसको हम इग्नोर कर देते हैं और बस ऊपर ऊपर के मीनिंग्स को पकड़ के रीडिंग कर देते हैं. द वन टैरो कार्ड, एक टैरो कार्ड आपसे जो है पता नहीं कितनी बात कर सकता है. एवरी टाइम when you pull out the same card, even if you have pulled up like 100 times, it will talk about like 100 different things. It will never talk about the same different thing, kyunki sabke answers different honge. So this is where that, you know, tarot reader comes in, you know, where he has to get in touch with his intuition and tell exactly what the card is trying to tell this person. Is aadmi ko kya answer milna chahiye? सबका आंसर सेम नहीं हो सकता, बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट, सबको डिफरेंट मेडिसिन काम करेगी. सो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का जो अगर मैं ऊपर का जो मीनिंग जो कि पॉपुलर मीनिंग है वो ये कि समवन हु इज बीन विक्टोरियस एंड हु इज सक्सेसफुल, हु हैज वॉन अ बैटल एंड देर आर लाइक दीज फॉलोअर्स बिहाइंड, जिसने एक बैटल जीत ली है, विक्ट्री पाली है, एंड देर आर पीपल अराउंड जो कि उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं. विच स्टैंड फॉर सक्सेस. हॉर्स जो है जो आप देखते हैं, इसके स्पेशल मीनिंग में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इस हॉर्स का एक्चुअली में मीनिंग क्या है, बट अभी के लिए दिस इज जस्ट अ हॉर्स. हॉर्स विच इज लाइक अ स्ट्रॉन्ग हॉर्स, अ ब्यूटिफुल हॉर्स, which is taking him to the victory places, and people are gathered around him and they are cheering for him. Uske success ki baat ho rahi hai. Ab dheere dheere iske card ke gehre meaning mein jana shuru karte hain. To pehli baat to jo aadmi horse ke upar baitha hua hai wo un logo ko nahi dekh raha jo uske aas paas ikatthe hain. ही इज़ लाइक लुकिंग फार, वो कहीं दूर कहीं देख रहा है कि जैसे अभी उसने जो पा लिया है अभी उसको अभी फिर भी अभी वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, अभी उसको और मिलना है, अभी वो और चाहता है. तो ऊपर से तो पहला एक तो रेवल्यूशन ये आ रहा है कि ऊपर से ही लुक सेटिस्फाइड, ऊपर से यू नो ही लुक्स वेरी हैप्पी,
he has got everything, but he is not inside, he is not really satisfied and he still wants more. तो जो जीत मिल गई है उसकी उसकी इतनी खुशी नहीं है, अभी और मिलना चाहिए तो जाके खुशी होगी. और लाइफ ऐसी है कि जब और मिल जाएगा तो फिर और चाहिए होगा. सो देयर इज नो एंड टू इट. और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी बनती है इस कार्ड में, वो ये कि जो लोग जो फॉलो कर रहे हैं उनमें एक तरह का एक रिजेंटमेंट शो किया गया, एक तरह का एक सैडनेस शो करा गया, क्योंकि दी सेम पीपल ऑल्सो वॉन्ट टू बी ऑन द टॉप. यही लोग ऊपर होना चाहते हैं. तो अभी तो ऊपर से नीचे से दिखते हैं कि यू नो तारीफ कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, लेकिन अंदर से ये भी वही चाहते हैं. तो दिस प्रेज, दिस क्लैपिंग, दिस चेयरिंग इज जस्ट ऑन द आउटसाइड. और एक सेकेंड रिवल्यूशन जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि सक्सेस कभी भी एक आदमी का रिजल्ट नहीं होता है, उसके पीछे देर इज अ टीम विच इज इन्वॉल्व एंड दैट इज व्हाट द सिम्बोलिज्म ऑफ सिक्स ऑफ वांट्स इज कि देर आर पीपल, बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड दिस मैन इज एबल टू क्लाइंब अप द हॉर्स एंड एंजॉय द विक्ट्री. अगर ये लोग इसके आसपास ना होते तो सक्सेस भी उसको जो है उसको नहीं मिलता, और वो सक्सेस किसी काम का ही ना होता. वो सक्सेस किस काम का जो आप जिसको आप शो ऑफ ना कर सको. हमारे लिए तो सक्सेस का डेफिनेशन ही यही है ज़्यादातर. जो रियल सक्सेस का डेफिनेशन जो है, जो मेरे हिसाब से होना चाहिए, कि हाउ हैप्पी यू आर फ्रॉम इनसाइड. बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लिए सक्सेस का डेफिनेशन है कि लाइक वेदर वी आर ऑन द टॉप और नॉट. एनीवेज, अब इसके सिंबोलिज्म के और गहरे उसके अंदर उतरेंगे. अब एक चीज़ ऐसी जो कि ऑलमोस्ट हर टैरो रीडर इसको मिस कर ही देता है. हम ये घोड़ा देखते हैं. अब घोड़े के ऊपर जो है आप देख रहे हो एक ही चद्दर सी पड़ी हुई है, बहुत कम नोटिस में आता है, ध्यान से देखिएगा. ये एक चद्दर सी पड़ी हुई है जिसमें उसके नीचे की टांगें उसकी छुपा रखी हैं घोड़े की. ओके, अब इसके रियल मीनिंग में उतरिए. अब इसका रियल मीनिंग क्या कहता है कि हो सकता है ये घोड़ा सिर्फ एक लकड़ी का घोड़ा है, और ये जो आप जो आगे का सर देख रहे हैं ये एक नकली सर है, और नीचे जो हैं इसके नीचे आदमी बैठे हुए हैं जो इसको लेके जा रहे हैं, इसलिए वो सीक्रेट की तरह उसको जो है रिवील किया जा रहा है. तो सिक्स ऑफ वांड्स सक्सेस तो दिखता है, क्या एक्चुअली में सक्सेस है? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे तो इट्स अ मैन मेड सक्सेस विच इज शोन फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर इस ऐसा सक्सेस जो कि एक सिर्फ एक बनावटी सक्सेस है जो दिखाया गया, बट इट्स नॉट रियली अ सक्सेस. वो उसके चेहरे पे भी दिख जाता है इस आदमी के, बिकॉज इस आदमी के चेहरे में आपको एक उदासी दिखेगी, क्योंकि कुछ सच हैं जो नहीं छुपाए जा सकते. तो नो मैटर वॉट एवर यू हैव, बट इनसाइड, डीप इनसाइड यू आर इन पेन, दैट्स वॉट इज शोन. सो सिक्स ऑफ वांड्स का ये रेवल्यूशन जो है बहुत रेयर है, जो मैंने आज आपसे बात करी. सेकेंड, एक और बात मैं कहना चाहूँगा, वेन एवर यू आर ऑन द टॉप यू आर ऑल बाय योर सेल्फ, यू आर काइंड ऑफ अलोन, यू आर नॉट रियली एबल टू टॉक मच विद पीपल अराउंड. सिक्स ऑफ वांड्स में एक चीज़ और है, ये कार्ड कार्ड ऑफ सेलिब्रिटी भी कहा जाता है. तो अगर आप सेलिब्रिटी की लाइफ को देखेंगे तो दे आर ऑन द टॉप बट दे आर लोनली. सो दिस इज व्हाट इज आल्सो सिग्निफाइड हियर, कि आपको सक्सेस तो मिल जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा सक्सेस कुछ ऐसा है कि हम उसमें अकेले पड़ जाते हैं. सो जो एक और सिंबोलिज्म जो इस कार्ड में आ रहा है, जो गहरा एक मीनिंग जो आ रहा है, सक्सेस इज समथिंग विच यू एंजॉय विद पीपल अराउंड, not sitting on the top. If you are on the top, then you will be alone, because there will no one will be around you who you can actually speak your heart to. There will be followers, but there will be no friends. So this was my reading for
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बनाता हूँ सबके लिए, ताकि हिंदी भी लोग देख सकें और अंग्रेजी के भी कुछ लोग देख सकें। तो मैं आपको मिलूंगा अपनी नई वीडियो में। नमस्ते, थैंक यू सो मच।